यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये एपिसोड 7, और अगर मैं क्लियर करूँ तो ये है एपिसोड 2, जो कि है ऑल मिशन कम्प्लीटेड का। तो फिलहाल जो है, मैंने फर्स्ट एपिसोड में आपको माइकल की तरफ से पूरा टूर बताया था कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज अनलॉक हो जाती हैं। तो इस बार हम बने हुए हैं फ्रैंकलिन के कैरेक्टर पे, और फिलहाल ये जो है ये है नया सेफ हाउस फ्रैंकलिन का, जो कि ऑल मिशंस करने के बाद आपको अनलॉक हो जाएगा। और सबसे पहले तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको पूरा सिटी का टूर कराने वाला हूँ। पहले तो मैंने सिर्फ आपको मैप में दिखा दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज पूरा सिटी टूर करेंगे, घूमेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले मुझे थोड़े से कपड़े चेंज करने होंगे, बिकॉज ये थोड़े से कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं एक बार आउटफिट्स में जाके चेक कर लेता हूँ कौन से अगर बढ़िया लगे मेरे को, तो मैं फटाफट से वो चेंज कर लूँगा। एक सेकेंड, मैं ऊपर की हुडीज़ देख लेता हूँ, हुडीज़ कौन सी बढ़िया लग रही हैं, बिकॉज नीचे की जीन्स तो सही है। ओके, तो दोस्तों ये वाली हुडी बढ़िया लग रही है, एंड बाकी सब तो नॉर्मल सी हैं। वो वाली मेरे को जो पसंद आई वो मैंने फ़िलहाल तो परचेज़ कर ली है, एंड चलते हैं। चलिए दोस्तों, ओके, तो मैं एक बार एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ कि कहीं मेरे पास शूज़ को अच्छे से देख लेते हैं हम, बिकॉज हम पूरा सिटी टूर करने जा रहे हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनल बंदा आए हुए होंगे। तो ओके, शूज़ ये वाले ले लेते हैं हम, और बाकी जो है शॉर्ट्स वगैरह, शर्ट्स में देख लेते हैं कौन कौन सी शर्ट्स, तो चलिए अच्छी नहीं लग रही। शूज़ तो हमने ले ही लिए प्रोफेशनल वाले, पैंट्स, मास्क, जैकेट्स। ओके, तो जैकेट्स देख लेते हैं, जैकेट्स में क्या क्या है अपने पास। जैकेट्स भी दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो हुडीज ही सही है, एंड हैट्स ले लेते हैं। हाँ जी, हैट्स मेरे को चाहिए रहेगी। ओके, एक सेकेंड, बैकवर्ड में हम ले लेंगे ग्रे कलर की, वैसे तो ऑलिव ग्रीन भी अच्छी लग रही है। अगर दोस्तों आप कमेंट में करके ज़रूर बताना कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। और फिलहाल तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे और कोई है तो, एक सेकेंड। ओके, ये लॉस सैंटोस वगैरह वाली हैट्स हैं। ओके, तो फिलहाल मैं ये वाली हैट लेके चेकआउट कर देता हूँ। बाहर आ गए हम, और दोस्तों ये हमारा सेफ हाउस है, और यहाँ पे बाथटब है, सामने स्विमिंग पूल है, ये हमारा बेडरूम है। तो दोस्तों फिलहाल साथ ही साथ मैंने आपको अपना सेफ हाउस का भी टूर करा दिया है, और अब फटाफट से चलते हैं अब अपना सिटी टूर करने। और आपके लिए एक सरप्राइज भी है दोस्तों, एक नई कार है जो कि हमें गैरेज की में से गिफ्ट मिली है, मतलब जब हमने गैरेज परचेज करा था, एक मतलब लॉस सैंटोस की तरफ से गिफ्ट है दोस्तों। तो फिलहाल मेरे को गैरेज तक के जाने के लिए मेरे को बाइक पे जाना पड़ेगा, मैं वहाँ पे करके छोड़ दूंगा, फिर वहाँ से कोई ना कोई वापसी ला के रख देगा सेफ हाउस पे। अपने पास कोई कमी तो है नहीं पैसे की, किसी को पैसे दे देंगे और वो ला देगा। ओके, तो दोस्तों जो हमारा गैरेज है वो है यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ बीच में अगर हम जा रहे हैं तो कुछ एक्टिविटीज़ कवर करते हुए चलें, बिकॉज उसमें आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी। मैं साथ ही साथ आपको घुमा दूंगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलेंगे पैराशूट वाली पे, मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ पूरा सीन क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, फिलहाल तो यहाँ पे हम चलते हैं। ओके, और मैं यहाँ से टर्न लेना है। ओके, और सबसे पहले तो मैं इसका रेडियो बंद कर देता हूँ। और दोस्तों जो कार होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, आपको देख के सोच सकता हूँ कि मैं, हाँ अच्छा खासा आपको मज़ा आ जाएगा। और बात तो कोई नहीं है। ओके, और यहाँ से हमें राइट टर्न ले लेना है, फटाफट से ले लेते हैं। और दोस्तों जो हमारा सेफ हाउस जो लिया है हमने, वो माइकल के घर के बहुत ही पास में लिया है, और बाकी जो है मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये दोनों तीनों जो कैरेक्टर्स हैं साथ में काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा, इसने इतनी तेज ठोकी है। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो चलो इसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन कोई नहीं, मैं छोड़ूंगा थोड़ी। अभी हम सबसे पहले गन सिलेक्ट करते हैं, बाइक पे बैठते हैं एंड इसका पीछा करेंगे, हमें भी इधर की तरफ ही जाना है। छोड़ूंगा तो होनी अगर मिल गया तो। ओके, आप कौन सी कार थी, आई थिंक ये वाली कार थी ना। ओके, तो इसकी ऐसी की तैसी, इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे क्या लग रहा है माफिया है यहाँ के, इसे पता नहीं है अभी, इसे छोड़ेंगे तो है नहीं। चलो ओके, ख़त्म हो गया, खेल ख़त्म, इज दैट सिंपल। ओके, तो फिलहाल यहाँ से 0.5 माइल्स दूर रह गए। अरे यार, आज तो पता नहीं भाई फ्रैंकलिन क्या हो गया, मोड़ रहा हूँ, मुड़ ही नहीं रहा है भाई कोई इतनी। चलो
हेल्थ तो कम हो गई नहीं, फुल मेडिकेट करा रखी है हमने। ओके आप थोड़ा ध्यान से चलाइए भाई, फ्रैंकलिन बेकार में इतनी चोट लगवानी अच्छी बात नहीं है। और दोस्तों फिलहाल जो है लॉस सैंटोस काफ़ी अच्छा डेवलप हो चुका है, बिल्डिंग्स काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है और हमारे भी काफ़ी अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं लॉस सैंटोस में। और दोस्तों फिलहाल जो सीन ये है कि जो मैंने आपको माइकल की कार का बताया था वो भी मैंने डीलर से बात कर ली है, तो हमारे को एक कार अरेंज हो जाएगी, मतलब लेनी तो मेरे को दो है। ओके दो ही कार लेंगे फिर, बढ़िया तरीके से लेंगे फुल। ओके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे पैराशूट की एक्टिविटी है कहाँ पे। ओके आई थिंक वो ऊपर है बिकॉज ये तो नीचे तो कंस्ट्रक्शन साइट है। ओके तो वो छत पे हो रही होगी जो पैराशूट की एक्टिविटी होने वाली है। ओके मैं यहाँ पे कोई और देख लेता हूँ, नियर बाय में कोई और होगी तो वो भी आपको दिखा देते हैं। ये वाली है, यहाँ पे कोई नहीं, चलिए ये वाली दिखा देते हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक यहाँ पे भी एक्टिविटी हो रही है। तो दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर्स होंगे सारे छत पे खड़े होंगे, तो मैं अभी आपको ऐसे कैसे ले जाऊँ, मैं एक बार कुछ ट्राई करता हूँ, एक सेकंड में सोच रहा हूँ यहाँ पे चढ़ा दूँ बाइक। ओके कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, वैसे यहाँ का जो मालिक है वो अपने को जानता ही है। ओके एंड यहाँ पे मैं देख लेता हूँ हेलीकॉप्टर खड़ा है तो। ओके तो दोस्तों यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर नहीं खड़ा है, यानी कि वो सारे छत पे खड़े होंगे दोस्तों हेलीकॉप्टर्स वगैरह। तो मैं यहाँ से तो फिलहाल चलता है, लेकिन होता क्या उसमें नॉर्मल एक हेलीकॉप्टर होता है नॉर्मल सा बिल्कुल सिंपल सा, वो हमें उसमें बिठाते हैं और हमें पैराशूट के लिए भेज देते हैं, ऊपर से हाइट पे से छोड़ देते हैं वो हमें, फिर हमें अपनी पैराशूट की ट्रिक से नीचे आना होता है और वो हमारे ऊपर, हम बचे मरे कोई हमारे साथ ट्रेनर वगैरह नहीं होता है। और फिलहाल तो अभी मैं देख लेता हूँ हमारा गैरेज यहाँ से बहुत पास है, उससे पहले हमारे को एक पड़ेगी एम्यूनेशन की शॉप, वो भी विजिट करते हुए चलते हैं। मेरे को थोड़े से वेपन्स लेने हैं दोस्तों सेफ्टी पर्पसेस के लिए, लाइसेंस तो हमारे पास आ ही गया था। ओके तो यहाँ से हमें लेना है राइट टर्न, और बाकी जो है दोस्तों फ्रैंकलिन को भी एक कार चाहिए, लेकिन माइकल को सबसे पहले चाहिए बिकॉज फ्रैंकलिन पे तो फिर भी एक कार है अच्छी खासी गैरेज में, लेकिन माइकल पे नहीं है बिल्कुल भी, माइकल अपनी वही चला रहा है और ज़्यादा अच्छी कार्स नहीं है, मतलब है उसमें लेकिन इतनी अच्छी कार्स नहीं है। ओके तो दोस्तों हम यहाँ पे एम्यूनेशन की शॉप पे आ चुके हैं और आपको चलिए मैं अंदर ले चलता हूँ, ये पता नहीं क्यों गुस्सा कर रहे हैं ये लोग। ओके तो मैं यहाँ पे दोस्तों अंदर एंटर कर चुके हैं हम, और यहाँ पे ये सारी हमारे पास वेपन्स हैं आप देख ही सकते हैं। मैं यहाँ से सोच रहा हूँ एक AK-47 देख लूँ, वैसे तो मैंने ले रखा है असॉल्ट स्नाइपर राइफल वगैरह, इनमें ये सब मैंने ले रखे हैं। ओके ओके सब ले रखा है दोस्तों मैंने, तो वैसे नाइफ भी ले ही रखा है ये देख। ओके तो हमारे पास एक ये नहीं है, एक ये ले लेते हैं, इसमें कोई बढ़िया सा ले लेते हैं, ये वाला दोस्तों बढ़िया लग रहा है, और बाकी और देख लेते हैं कौन कौन से, यही वाला अच्छा लग रहा है। ओके और हमारे पास ये है ये है ये नहीं है, चाकू ले लेते हैं, और देख लेते हैं हमारे पास दोस्तों क्या नहीं है, बाकी सब तो हमारे पास है फुल। ओके गैस कैन भी वगैरह सब है। ओके तो हमारे पास ये वाली शॉटगन और पिस्टल नहीं है, कॉम्बैट PW। ओके एक बार इस पे मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें तो मैंने सब लगा रखा है। ओके थोड़ी सी स्किन वगैरह देख लेते हैं इसकी, स्किन तो मेरे को वो वाली अच्छी ज़्यादा लग रही है। ओके ये वाली ले लेते हैं गोल्ड टेंट, और बाकी असॉल्ट राइफल तो बाकी सब मेरे पे है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू। ओके चलिए अब यहाँ से चलते हैं दोस्तों, हमारे पास अब आप देख सकते हैं वेपन्स काफ़ी अच्छे खासे आ गए, तो मैं फ़िलहाल एक पिस्टल इक्विप करके रख लेता हूँ, यहाँ से मैं ले लूँगा AP पिस्टल ले लेते हैं, AP पिस्टल ज़्यादा बेस्ट रहती है। ओके और यहाँ पर एक ड्रिंक है, चलिए दोस्तों थोड़ा सा ड्रिंक भी पी लेता हूँ अगर। ओके नो फूड और ओके यहाँ से ले लेते हैं एक फटाफट से सोडा। ओके कोला है यहाँ पे, थोड़ा सा एनर्जी सी आ जाएगी, फटाफट पी ले भाई फ्रैंकलिन, फिर चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे बाकी वेस्ट्स वगैरह तो पड़ी हैं हमारे पे, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्ट भी दोस्तों मैं पहन के रखता हूँ, कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता बिकॉज क्योंकि दुश्मन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सेफ्टी के लिए पहननी पड़ती है। ओके तो यहाँ पे है दोस्तों हमारा गैरेज, और यहाँ पे फटाफट से चलते हैं गैरेज पे, बाइक कर ली हमने स्टार्ट, एंड दोबारा से दोस्तों हमने हेलमेट नहीं लगाया है, कोई नहीं अब तो हम पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर तो रह नहीं गया है गैरेज हमारा, फटाफट से चल के पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके यहाँ से हमने टर्न ले लिया है। ओके और आगे से हमें लेना है लेफ्ट टर्न, बाइक है दोस्तों थोड़ी हैवी सी है इसलिए स्लो चल रही है, बाइक तो एक पक्का लेनी लेनी है दोस्तों बिकॉज इनकम सोर्स ज़्यादा हो चुकी हैं हमारे पास बहुत,
और बाकी एक दिन हम ट्रेवर के साथ भी, दोस्तों मैं आपको पूरा सीन बताऊंगा कि उसके साथ भी क्या क्या है, उसके साथ भी हम मिशंस वगैरह करेंगे काफ़ी। तो फिलहाल तो जो है मैं बाइक को यहीं खड़ा कर देता हूँ, कोई आएगा और ले जाएगा, बिकॉज जो दूसरा वाला सेफ हाउस है वो यहीं पे है पास में, तो वहाँ से किसी को बुला दूँ और वो यहाँ से ले जाएगा बाइक को। फिलहाल तो हम गैरेज के अंदर चलते हैं और आपके लिए सरप्राइज़ बस ओपन होने वाला है, और यहाँ पे गैरेज ओपन हो चुका है। और ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे आगे कितनी सारी कार्स आ चुकी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कार्स कैसी है, तो दोस्तों ये कार्स जो हैं ये ऑफ रोड रेसिंग ट्रक्स हैं, जो कि हैं फुल कस्टमाइज्ड वेपन्स के साथ में, और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी हैं। तो दोस्तों आप इन्हें कहीं भी ले जाइए ना ये पलटेंगे, और बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है आपको। और फिलहाल तो जो है हमारी जो स्पेशल कार है वो है ये वाली, जो कि है पेगासी ज़ेंटॉर्नो। चलिए मैं इसको आपको बाहर ले चलता हूँ, उसके बाद आपको इसका नेम वगैरह दिखाऊंगा, ओवरव्यू कराऊंगा। बाहर से तो आप देख ही लीजिए कैसी है, और बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों बाहर से ये कुछ ऐसी सी कार है, आप देख ही सकते हैं, ये पूरा ओवरव्यू है इसका। और सीजर डोर्स हैं दोस्तों इसके, बटरफ्लाई डोर्स। और बाकी इधर से पूरा रिव्यू, एक सेकेंड मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये है हमारी पूरी कार आगे से पीछे से, और डोर्स तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों वैसे इसके। और अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको, और अंदर से तो सिंपल ही है, नॉर्मल, ज़्यादा अच्छी नहीं है अंदर से। अंदर से नॉर्मल, बस आप देख ही सकते हैं मीटर्स वगैरह है, और रेडियो स्टेशन है, और एसी कंट्रोल है। अंदर से बेसिक सी कार है, और आई थिंक ये ज़्यादा महंगी नहीं होगी, अराउंड 3 to 4 million dollars की होगी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए तो। ओके, तो अभी हमें जाना है, अब चलिए अब हम चलेंगे दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे बिकॉज 3-4 एक्टिविटीज़ हैं, तो फटाफट से चलते हैं। यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, और बाकी दोस्तों कार पे तो फुल आर्मर चढ़वा ही रखा है, अपनी कार है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक। और गैरेज जो है दोस्तों फ्रैंकलिन का जो नया वाला सेफ हाउस है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, तो उसके लिए भी हमें कार चाहिए होगी। मैं सोच रहा हूँ ये वाली भी वहीं ले जाके खड़ी कर दूँ, बार बार यहाँ पे आना पड़ता है तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज बार बार बाइक लाओ तो कन्वेंस ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली कार वहीं ले जाके रख लूँ अपने पास में। ओके, तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, और दोस्तों पिकअप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसका, और आवाज़ काफ़ी सॉलिड है इसकी कार की। और बाकी दोस्तों यहाँ पे अब हमारी लॉस एंटोस में जो है पुलिस वालों से अच्छी खासी जान पहचान हो चुकी है, तो मतलब अब हमारे ऊपर जल्दी से केस नहीं होते हैं, हालाँकि जब तक हम कोई बड़ा वाला कांड ना कर दें या फिर कोई फाइल कर दें तब तक नहीं होते। मतलब जैसे पहले तो नॉर्मल सी बुलेट की फायर होती है हमारे पीछे पुलिस पड़ जाती थी, अब कोई सीन नहीं है दोस्तों वैसा, अब सब फ्री हो चुका है। तो दोस्तों अब आ रहा है गेम खेलने में मज़ा, और अगर आपको भी जानना है दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं ये वाली सारी सेटिंग की, हम सारे मिशंस कंप्लीट कैसे कर लेंगे एक ही बारी में, तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए, पक्का बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए पूरी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। और बाकी जो ओवरव्यू है सारी प्रॉपर्टीज़ का वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता ही रखा है माइकल के साथ में। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, ओके थोड़ा सा ठुक गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, ऐसा हेलीकॉप्टर मिलेगा आपको हर जगह, और आपको सिंपली इसमें एंटर करना है, उसके बाद ही आपको बहुत ही ज़्यादा हाइट पे ले जाके आपको ड्रॉप कर देंगे, और आपको वहाँ से चेक पॉइंट्स लेते हुए आना है। तो फिलहाल तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बाकी यहाँ से मैं आपको अपना डॉग दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब जो हमारी बोट्स वगैरह खड़ी हैं थोड़ी सी, और यहाँ पर बंद कर दिया दरवाज़ा। ओके, तो यहाँ पर ये है हमारी सारी बोट्स, ये तीनों जो बोट्स खड़ी है दोस्तों, ये हमारी और एक वहाँ पर खड़ी है, सारी बोट्स हमारी हैं, और बाकी जो है इसके मेन मालिक हमें, ये हमने पूरा ख़रीद रखा है, और जब चाहे हम यहाँ से ले जा सकते हैं, किसी ड्राइवर को बुला के लाएं तो वो चला देगा, बाकी कोई दिक्कत विक्कत की बात तो है नहीं। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों एक सिक्योरिटी गार्ड रख लूँ, बिकॉज आपको पता ही है जब किसी पे पैसा आ जाता है तो लोगों में जलन कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो सेफ्टी पर्पसेस के लिए मैं सोच रहा हूँ एक बॉडी गार्ड या बाउंसर रख लूँ एक अपने साथ में। ओके, तो फिलहाल तो दोस्तों अब ये सीन हो चुका है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या और है हमारे पास करने के लिए। और फिलहाल चलिए दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ भी आपको विजिट करा देते हैं। ओके, कार तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन इसका रेडियो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, टर्बो लगा हुआ है इसके पीछे जैसा कि आप देख ही सकते हैं, टर्बो ट्यूनिंग ऑन करा रखी है हमने इसमें। आर्मर तो 100% रहता ही हमारा, कोई ज़्यादा, ओ भाई साहब, दोस्तों आप पावर देखिए कार की, दूसरी वाली कार पलट गई, हमारी वाली कार को ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। ओके, और फिलहाल जो है यहाँ से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब नॉर्मल सी चीज़ है आज की डेट में, बिकॉज मेरे लिए तो स्पीड मैटर करती है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी कार तो हमारे लिए निल ही है ये वाली,
मैं तो बस इसे कैसे तैसे यूज़ करूँ, मेरे को तो वरना दूसरी वाली लेनी है, अपने को फ्री में मिली थी दोस्तों लॉस सैंटोस की तरफ से, तो प्रॉब्लम की तो कोई बात ही नहीं है। ओके, तो यहाँ से हमें ले लेना है टर्न, और पीछे की साइड हम बीच की साइड में आ चुके हैं, और ये दोस्तों ये है सामने ब्रिज, और यहाँ पे एक सेकंड में हॉर्न दे दूँ सबको वरना दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों सारा सीटिंग एरिया है, मैं साइड साइड से निकाल लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे दोस्तों एक फनी क्लब आ चुका है, कॉमेडी क्लब, जो मतलब आपको यहाँ पे 3D कॉमेडी मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इसे। मूवी मास्क वगैरह आई, हम भी ले लेते हैं फटाफट से कोई मास्क वगैरह ले लेते हैं, कोई मास्क देख लेते हैं कौन सा बढ़िया लग रहा है। मॉन्स्टर मास्क, आए हाय, ओके, कितने बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों मास्क तो। वैसे सीरियसली मैं एक काम करता हूँ, सारे परचेज कर देता हूँ। ओके, मैं सारे परचेज कर देता हूँ फटाफट से दोस्तों, एक सेकेंड, फटाफट से सारे परचेज कर लेते हैं, काम आते हैं दोस्तों ये मास्क हमारे, बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। ओके, और फिलहाल जो है मैं नो मास्क इक्विप करके रखूँगा, बिकॉज़ फ़िलहाल तो अभी नहीं चाहिए, लेकिन इसके चक्कर में मेरी हैट रह गई है कहीं पे, कोई नहीं, हैट्स भी होंगी शायद इन पे भैया पे शायद। मैं एक सेकेंड अंदर जाके ब्राउज़ कर लेता हूँ इनका स्टोर जो है, क्या पता शायद मिल जाए। ओके, हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैट्स तो बाद में ले लेंगे, फ़िलहाल जो है हम अपनी कार में एंटर करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन पे। तो दोस्तों फ़िलहाल मैंने आपको ये भी दिखा दिया और ये क्या होता है, और बाकी चलते हैं एक हेयर कट के लिए, यहाँ पे है बहुत ही पास में एक हेयर कट की भी शॉप है, हेयर कट भी देख लेते हैं क्या क्या होता है हमारे पास में। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों यहाँ से नहीं बाहर थोड़ा इधर की तरफ से ले लूँ, बिकॉज उधर तो मेरे को बहुत संभाल संभाल के चलानी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम आ चुके हैं इस तरफ में, और कहाँ से टर्न लेना है, पीछे से टर्न लेना है, तो एक टर्न मैंने मिस कर दिया, और यहाँ से मेरे को, हाँ यहाँ से टर्न लेना है, और यहाँ पे आ चुकी है बार्बर की शॉप। मैं यहाँ पे साइड में ही पार्क कर देता हूँ कार को। ओके, यहाँ पे पार्क कर दिया है मैंने कार को बिल्कुल साइड में, और यहाँ से चलिए जल्दी से फटाफट से चलते हैं। और ये जो है दोस्तों ये वाली है हमारी बार्बर की शॉप, और फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, हेयर कट और बियर्ड कट, बियर्ड कट भी मैं सोच रहा हूँ एक बढ़िया सी करा ही लूँ। ओके, हेयर आप देख ही सकते हैं कितने सारे अवेलेबल हैं, तो मैं फेड वगैरह कराऊँगा कोई बढ़िया सा। ओके, ये वाला चेक कर लेते हैं। ओके, तो नॉर्मल जो शुरू में मिलता है तो वही है, और बाकी देख लेता हूँ कोई बढ़िया सा कट सोच रहा हूँ दोस्तों मैं फेड। ओके, दोस्तों ये वाला करा लेते हैं, ये वाला बढ़िया लग रहा है, बाद में जब हम हैट वगैरह पहनेंगे तो सही हो ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा हेयर कट हो चुका है, अब हम बियर्ड कट देख लेते हैं, बियर्ड कट कोई बढ़िया सा है तो हमारे पास, ये वाला नहीं, ये वाला करा लेते हैं दोस्तों, ये वाला बढ़िया लग रहा है, बिकॉज़ ज़्यादा हैवी बियर्ड भी अच्छी नहीं लगती है, वो थोड़ी गुंडे मवाली जैसी लगती है, जैसे डाकू मंगल सिंह होता है। ओके, जोक्स अपार्ट, ओके, तो यहाँ पर ले लिया है हमने, और चलते हैं फटाफट से एग्ज़िट कर जाते हैं। ओके, यहाँ पर हम आ चुके हैं दोस्तों शॉप के बाहर, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्लान करते हैं फटाफट से, और मैं यहाँ पे कार में एंटर कर जाता हूँ। ओके, भाई गेट खुला हुआ तो है, क्यों खोल रहा है। ओके, और यहाँ पे और मैं देख लेता हूँ और क्या क्या है, यहाँ पे टैटू पार्लर है। ओके, इंटरेस्टिंग, जल्दी जल्दी से फटाफट से टैटू करा लेते हैं, लेट्स गेट टैटूड। ओके, तो दोस्तों ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, बिकॉज यहाँ पे सब चीज़ें आसपास में ही है, और एक आप दिखाऊंगा अभी आपको सामने प्रॉपर्टी है, और दोस्तों ऐसी कार क्या बढ़िया लग रही है, फरारी जैसी। ओके, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। ओके, तो यहाँ से ये रहा सामने टैटू पार्लर है, तो मैं यहाँ पे कार पार्क कर देता हूँ थोड़ा ध्यान से, बिकॉज यहाँ पे कार्स का रिस्क रहता है कोई ले ना जाए, वैसे इतनी महंगी कार है उन लोगों के लिए, तो मेरे लिए तो कोई ज़्यादा मामूली बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे हमें जाना है टैटू पार्लर के अंदर। ओके, टैटूज देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हैं, एक सेकेंड, आप दोस्तों बताइए कमेंट में कौन कौन से अच्छे लगेंगे। फिलहाल तो मैं ये वाला करा लेता हूँ, एक ये वाला करा लेते हैं, एक ये वाला करा लेते हैं, एक ये वाला करा लेते हैं, फुल सारे मैं सोच रहा हूँ टैटूज करा लूँ, बाकी ज़्यादा डबल डबल टैटूज नहीं कराऊंगा, बाकी पीछे की तरफ देख लेते हैं पीछे कौन से हो सकते हैं, पीछे मैं ड्रैगन बनवा लेता हूँ, और बाकी तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, हेड में देख लेते हैं, हेड में ओके, पीछे की तरफ है, एफ क्राउन कहाँ पे है, ओके, ये रहा, यहाँ पे देखना है हमें। ओके,
तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कौन सा करवाऊँ। LS लिखवा लेते हैं, लॉस सेंटोस का। लेफ्ट आर्म पे तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक शेर बनवा लेते हैं, और यहाँ पे ये करा लेते हैं नीचे की तरफ में, और बाकी जो है राइट आर्म की तरफ देखते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ में। ओके, ड्रैगन कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को करके ये वाला करा लेते हैं हम। राइट लेग पे हम देख लेते हैं कौन सा बढ़िया लग रहा है, उधर की तरफ है दोस्तों राइट लेग हमारा। ओके, तो यहाँ पे हम ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। ओके, ये वाला करा लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे उधर की तरफ मैं ये वाला करा लूँगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम पूरे टैटू करा लिया, आप देख ही सकते हैं साइड में यहाँ पे नेक के पास आ चुका है, और नीचे पैर, बाकी तो जो दोस्तों बॉडी कवर्ड है इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। कोई नहीं, टैटू तो हो ही चुके हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ओके, तो अब फिलहाल जल्दी से चल के कार में एंटर कर जाते हैं। अबे भाई, इसकी कार क्यों ले रहा है फ्रैंकलिन भाई, क्या हो गया? अपनी कार में ले, बेकार में उसकी शीशा तोड़ दिया बेफाल। कोई नहीं, चलो। तो दोस्तों हमने टैटू भी करा लिया, और अब फटाफट से एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं यहाँ पे, और कौन सी हमारे पास अवेलेबल है। वैसे तो कोई ज़्यादा खास नहीं होगी एरिया में दोस्तों, यहाँ पे मैंने मतलब यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा रखा है इस वाले एरिया पे, बिकॉज़ यहाँ पे हमने एक टैटू पार्लर करवा रखा है और बाकी बहुत चीज़ें भी हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये आ चुकी है जो हमने ले रखी है प्रॉपर्टी, है दोस्तों अपनी प्रॉपर्टी है ये वाली, जो ये दोस्तों इसने दुकान खोल रखी है। एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी है ये। ओके, तो ये वाली है स्मोक ऑन द वाटर। तो स्मोक ऑन द वाटर दोस्तों ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये हमारी, तो दोस्तों ये हमने रेंट पे दे रखी है, हमारी प्रॉपर्टी है वैसे तो, ये हमारे नाम पे है और शायद ये यहाँ की मालिक है। और बाकी हम ब्राउज़ कर लेते हैं यहाँ पे कुछ है। सबसे पहले तो एक कोला पी रहे हैं दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो बार बार ज़रूरत पड़ जाती है कोला की। और दोस्तों टैटू बहुत मस्त लग रहा है, और हुडी के साथ तो काफ़ी अच्छी मैचिंग जा रही है। ओके, तो दोस्तों चलिए जल्दी से चलते हैं। ओके, अब यहाँ से चलते हैं हम फटाफट से, कार में बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं उसका। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो है ये हमारा हेलीपैड है, हेलीपैड भी दोस्तों अपने को दिखाई देता हूँ मैं आपको। वहाँ पे शायद ही हेलीकॉप्टर खड़े हो, या शायद कोई लेके गया हुआ होगा। बाकी वो जो है हेलीपैड हमारा ही ख़रीदा हुआ है। यहाँ से मैं टर्न ले लेता हूँ थोड़ा ध्यान से, एक तो पता नहीं ये लोग साइड भी तो नहीं होते हैं। ओके, यहाँ से हमने ले लिया है टर्न, और यहाँ से लेना है इधर की तरफ टर्न। ओके, तो दोस्तों आपने देखा पीछे एक रोल्स रॉयस खड़ी थी, उसके चक्कर में मैंने आगे वाले की ठोक दी। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, कोई दी अब तो नॉर्मल सी चीज़ हो चुकी है ये हमारे लिए। ओके, ये वाली तो बच गई फिलहाल कार, तो मैंने साइड में कर लिया था ड्रिफ्ट। ओके, थोड़ा ओके, तो दोस्तों ये सीन भी बहुत मस्त लगता है। कन्वर्टेबल कार भी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ एक लूँ, कन्वर्टेबल कार काफ़ी अच्छी लगती है। रेड लाइट पे खड़े होकर जब कार को कन्वर्ट करते हैं तो काफ़ी बढ़िया फेम मिलता है। और लेंगे तो दोस्तों कोई महंगी सी कार लेंगे, सस्ती कार नहीं लेंगे जैसे इन लोगों के पास है। कोई स्पेशल कार लेंगे, यूनिक कार लेंगे जो कि पूरे लॉस सैंटोस और डाउनटाउन में एक ही हो। ओके, तो यहाँ पे ओके, तो फिलहाल मैंने पीछे से एक कट मिस कर दिया है, बैकवर्ड बैकवर्ड बैक गियर। ओके, और यहाँ पे आ चुका है। ओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक इट ईजी, उठ जाएगी, ज़्यादा तेज़ नहीं लगी है, सिर्फ एक हिट हुआ है नॉर्मल। एंड ये लोग पता नहीं है बूम बैरियर खोल क्यों नहीं रहे। देखिए दोस्तों वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर भी लैंड कर रहा है, और कितने सारे हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं। तो फिलहाल मैं इसे ऐसी करके निकल लेता हूँ, छोटी सी तो गाड़ी अपनी नीचे से ही निकल जाती है। ये दोस्तों देख सकते हैं पूरा का पूरा हेलीपैड हमारा है, और ये वाला हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है, ये मेरा हेलीकॉप्टर है, और ये हेलीकॉप्टर भी हमारा ही है, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और बाकी जो है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे, और बाकी नीचे पानी है। ये दोस्तों हेलीकॉप्टर्स के लिए मतलब उन्हें लेवल करने के लिए थोड़ा सा रख रखिए, एक टूल होता है ये, सपोज कोई अगर हेलीकॉप्टर सही पोजीशन पे नहीं कर रहा तो उसे पोजीशन पे लाने के लिए। और बाकी यहाँ से चलिए दोस्तों फिलहाल तो एग्जिट कर जाते हैं, यहाँ पे कार पार्किंग है। ओके, तो यहाँ से मैं फटाफट से चल लेता हूँ। ओके, और अब देखते हैं दोस्तों क्या है, और वैसे तो ज़्यादा कुछ खास बचा नहीं है, बाकी तो नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी विजिट करा दी थी, मूवी थिएटर्स वगैरह। बाकी ज़्यादा कुछ दोस्तों बचा नहीं है, बाकी है वो वाला ट्रेवर वाला एरिया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, जो कि हम अगर ट्रेवर के साथ करेंगे
तो दोस्तों फिलहाल जो है मैंने आपको पूरी सिटी घुमा दी है और अब हम चलते हैं वापसी सेफ हाउस पे। बीच में देख लेते हैं अगर कोई पड़ेगा तो मैं आपको कवर करते हुए ले चलूँगा। ओके, बीच में एक दो डेस्टिनेशंस पड़ेंगी तो वही कवर करते हुए चल लेते हैं, थोड़ा सा घर भी पहुँच जाएंगे और टाइम पास भी हो ही जाएगा। ओके, तो दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा है दोस्तों आजकल का। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया तो आप दोस्तों भूलना था, अब हमारे चैनल पे दो पैरेलल सीरीज चलेंगी GTA 5 की, जो कि होगी एक होगी कंप्लीटेड मिशंस की और होगी एक इनकम्प्लीटेड मिशंस की, जो कि हम जिसमें मिशंस कंप्लीट कर करके अपना लेवल बढ़ाते हैं, और एक ये वाली है जो हम खेल ही रहे हैं जिसमें हम फुल एंजॉय करेंगे। बीच बीच में दो तीन एपिसोड इसके लाऊंगा मैं, बिकॉज एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, बिकॉज मिशन करते करते कभी कभार दिमाग ख़राब हो जाता है, जैसा कि आपने लास्ट मिशन में देखा ही होगा कितना घटिया मिशन था सीरियसली। ओके, और फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं, 0.6 माइल्स पर रह गया है। ओके, तो यहाँ से सीधा, और ये माइकल के पास आ चुके हैं, मतलब माइकल का जो एरिया है, माइकल का सेफ हाउस के पास का जो एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं हम यहाँ पे तो फिलहाल। ओके, एंड यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे जो है क्लोथिंग की शॉप है और लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार्बर की शॉप है। ओके, तो फिलहाल तो मैं यहाँ से एंड मैं यहाँ से टर्न ले लेते हैं। ये लड़कियों को ना कार चलानी आती नहीं है, कभी भी टर्न ले लेती हैं बेफालतू में, ज़बरदस्ती नुकसान करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर राइट में एक मूवी थिएटर है, सोच रहा हूँ आपको वो भी विजिट कराई दूँ हाथ की हाथ। ओके, तो दोस्तों ये वाला जो मूवी थिएटर है ये है हमारा, जैसा कि आप देख ही सकती है ये वाला जो है, ये वाला मूवी थिएटर ये हमारा है, और इसके आगे ये हमारे पास एक टैटू शॉप है, और ये बिनीवुड जो बस चलती है हमारी चलती है पूरा सिटी टूर वगैरह कराने के लिए, और ये टैटू शॉप है, और यहाँ पे एक और थिएटर है जो कि हमारे लिए है, ये देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे जाके मूवीज़ देख सकते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे गेम में अब ये चीज़ अनलॉक हो चुकी है, मूवीज़ में शो वगैरह पूरा देख सकते हैं, और बाइक पता नहीं क्यों ऐसे ही नो पार्किंग में पार्क कर रखी है। एंड यहाँ पे एक पिक्चर्स की प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये प्रॉपर्टी हमारी है पिक्चर्स के नाम से, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है, काफ़ी बड़ी शॉप हो गई अब तो खैर ये। ओके, तो अब फिलहाल चलते हैं फटाफट से सेफ हाउस पे और वहाँ पे अपनी कार को पार्क करते हैं, वीडियो को एंड करेंगे और चलते हैं फटाफट से। ओके, तो यहाँ से अराउंड 0.5 माइल्स है, बिकॉज अभी थोड़ा सा रास्ता चढ़ाई वाला है तो थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ेगी यहाँ पे, बिकॉज माउंटेन्स है दोनों तरफ और एक तरफ है सारी बिल्डिंग्स। यहाँ से ये वाला टर्न लेना है मेरे को तो फिलहाल। ओके, एंड दोस्तों लेकिन मेरे को पर्सनली इस कार से जो दूसरी वाली कार थी वो वाली ज़्यादा अच्छी लगी। ओके, तो यहाँ पे बस हम पहुँचने वाले हैं। ओके, आगे से यू टर्न लेना और हम अपने सेफ हाउस पे पहुँच चुके होंगे, यहाँ से हम टर्न ले लिया है। ओके, एंड हेयर वी गो, तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों सेफ हाउस पे, और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है हमारी जैसा कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ शुरू में। ओके, तो मैं यहीं पे कार पार्क कर देता हूँ, वैसे तो अंदर मेरे एक फ्रेंड की कार खड़ी है। ओके, तो मैं फ़िलहाल इसी के साथ में पार्क कर देता हूँ, थोड़ी ध्यान से उसकी कार को नुकसान नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ उससे ये वाली कार खरीद लूँ, बिकॉज़ ये कार बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट है, सुपर फास्टेस्ट कार है ये पूरे लॉस सैंटोस की। और यहाँ पे नीचे सारा गार्डन वगैरह दोस्तों सेफ हाउस का हमारा, जैसा कि आपको दिखाई चुका हूँ ये बाहर का एरिया है सारा, आप देख ही सकते हैं ये पूरा स्विमिंग पूल वगैरह, अंदर टेलीस्कोप वगैरह पड़ा है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, और फिलहाल तो फ्रैंकलिन को भी रेस्ट करना है, सो जाते हैं, मिलेंगे बाद में दूसरी वीडियो के साथ में। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच, और फिलहाल तो चलिए फ्रैंकलिन को जाके सुला देते हैं, ये भी थक चुका है। और यहाँ पे हम नीचे चलते हैं, और ये आ चुका है हमारा बेडरूम हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड यहाँ पे फटाफट फ्रैंकलिन गोइंग टू स्लीप। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ में, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.